गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एज यूजुअल आप देख सकते हो कि फिर से मैं गाड़ी में हूँ और एक न्यू व्लॉग की शुरुआत करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं रखूँगी अपने व्लॉग में। मैं आज आपको सब कुछ अपडेट करते हुए चलूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ और कब कब क्या क्या होने वाला है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। बट कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें डिसाइड किया है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ गोरखपुर, क्योंकि हमें भी कुछ काम है और आप जानते हैं मेरे पति देव को हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो हम लोग भी चले आते हैं, तो इनको भी काम है, तो हम दोनों को ही काम है। इस वजह से हम दोनों आज डिसाइड की कि चलो आज चलते हैं और कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी सुबह के हो रहे हैं 9:15, तो अराउंड हमें 2 घंटा तो लगेगा ही गोरखपुर सिटी के अंदर पहुंचने में। तो जैसे ही हम गोरखपुर पहुंचेंगे हमारे कई काम हैं जो होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप सोचेंगे कि आवीर कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि आवीर आगे की सीट पे बैठे हुए हैं। आवीर से हाय। सो आप मिल लिए आवीर से? वो अभी सो के उठाया और वो रेडी होके बस बैठ गया है गाड़ी में। तो चलिए चलते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद मैं एक और चीज़ बता दूं, आज बहुत दिनों के बाद जो मौसम है वो थोड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिनों से बारिश कंटिन्यू हो रही थी। तो फिलहाल तो आज मौसम भी अच्छा है और धूप भी निकल गई है हल्की हल्की। तो मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू भी आपको कि कितना अच्छा लग रहा है ये इस तरीके की धूप। नहीं तो क्या हो रहा था, सिर्फ बारिश 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 हो रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू और फिर मैं आपको मिलूंगी गोरखपुर सिटी में पहुँचने के बाद। हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर सिटी में और 10 मिनट के अंदर अराउंड हम लोग भाभी के घर पे पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि सबसे पहले हम जब भी गोरखपुर आते हैं एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले भाभी के घर पे जाते हैं, तो फिलहाल आज भी वही सेम रूटीन है हमारा कि सबसे पहले हम भाभी के घर पे जाएंगे और सुमित अपने काम को ख़त्म करके फिर जब भाभी के घर पे आएंगे तो उसके बाद हम निकलेंगे बाहर और जो मेरा काम है उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले चलते हैं भाभी के घर और उसके बाद क्या क्या प्लान है वो मैं आपको वहां पे ही पहुंच के बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली भाभी के घर का काम जो था वो हो चुका है और आप देख सकते हो धूप बहुत तेज है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। अब पता नहीं गाड़ी में डिसाइड करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, बट भाभी के घर से हम लोग निकल चुके हैं अभी। चलो गाड़ी में। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं प्रीति के घर भाभी के घर से निकलने के बाद, और क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, क्योंकि प्रीति वो है जो कि कस्टमाइज चीज़ों को बनाती है। तो मैंने भी कुछ ऑर्डर दिया था और कुछ चीज़ें मुझे उससे परचेस करनी है, तो इसलिए मैं आई हुई हूँ प्रीति के घर। चलिए मैं आपको भी दिखाऊँगी कि वो क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसी कस्टमाइज चीज़ें जो ऑलरेडी उसने कस्टमाइज करके रखी हुई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ वन बाई वन। आई लव ऑल दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। मुझे इस टाइप की चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। तो लेट्स सी कि क्या क्या है। Thank you.
सो ये सारी चीज़ें जो कि इसने कस्टमाइज करके रखी हुई हैं, और आप देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स इन्होंने कस्टमाइज किया हुआ है। सो फाइनली अभी मैं आ चुकी हूँ शिल्पा दीदी के घर पे, और यहाँ पे आने के बाद शिल्पा दीदी हम लोग के लिए फोआ बना रही हैं, चाय बना रही हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग गई है। और ये रही उसकी दोनों सिस्टर, जो कि एक सिस्टर जो पढ़ाई कर रही है और एक है जो उसको देख रही है, क्योंकि दोनों को इसके साथ खेलना बहुत पसंद है, बट फिलहाल तो वो सो रहा है। सो अब हम लोग दीदी के घर से निकल चुके हैं, और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मौसी जी के घर पे। उनके यहाँ भी हम लोगों को आधे घंटे से एक घंटे का काम है। काम क्या है, मतलब उनके यहाँ जाना है तो इसलिए जा रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग आज स्पेशल क्यों आए हुए हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं आवीर के लिए, आवीर का बर्थडे गिफ्ट लेने, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम था। और मैं आपको बता दूँ, एक अपडेट कर दूँ कि हम लोग मौसी जी के घर से होके आ चुके हैं, बट वहाँ पे मैंने कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला और मुझे कुछ बेटर फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे सूट नहीं किया कुछ भी। अभी 6:30 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आवीर के लिए, आवीर का बर्थडे गिफ्ट लेने, क्योंकि उसी के लिए मेन हम लोग यहाँ पे आए थे। तो चलिए आज आवीर का हम लोग बर्थडे गिफ्ट भी ले लेते हैं, और चलिए आपको बताती हूँ कि हम बर्थडे गिफ्ट में उसके लिए क्या ले रहे हैं। स्पेशली ये जो बर्थडे गिफ्ट है, ये जो हम लोग ले रहे हैं, एक उसके पापा गिफ्ट कर रही हूँ और एक मैं गिफ्ट कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम दोनों क्या गिफ्ट करने वाले हैं आवीर को। आवीर, अभी चलो साइकिल चलानी है? नहीं पसंद आ रही है उसको। आवीर को इस साइकिल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसको बस एक यही साइकिल पसंद है जिसमें ये म्यूजिक बज रहा है, तो इसको बस लग रहा है कि हम यही परचेस करेंगे, बट फिलहाल तो ये नहीं परचेस होगी। सो फाइनली हम लोगों ने आवीर की एक साइकिल फाइनल कर ली है और उसको परचेस कर लिए हैं। फिलहाल तो अभी आवीर का उस पर कोई फोकस नहीं है, बट हम लोगों ने उसको फाइनल कर लिया है। बस सब वो ठीक हो रही है, उसके बाद हम लोग जाएंगे उसको एक और गिफ्ट दिलाएंगे। तो चलिए सेकंड गिफ्ट भी लेने चलते हैं। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी नहीं सही थी, और साथ ही में इतना ट्रैफिक हो चुका था रास्ते में कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं शूट कर पाए। और जो मैं आपसे कह रही थी कि हम लोग आवीर का एक सेकंड गिफ्ट लेने जा रहे हैं, तो ट्रैफिक की वजह से हम लोग ने उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। अब जब भी हम नेक्स्ट जाएंगे गोरखपुर, तो हम उस गिफ्ट को लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में गोरखपुर सिटी में इतनी ट्रैफिक थी आज कि कहीं पर भी गाड़ी ढंग से मूव ही नहीं कर पा रही थी। और अब हम लोग घर भी आ चुके हैं, तो फिलहाल सच बताऊं कि कुछ भी शूट करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो अब मैं सोची कि इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे ख़त्म करूं, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जल्दी ही मेरे चैनल पे एक मिसो हॉल और आने वाला है, तो उसका भी आप लोग वेट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वो भी हॉल है, और आई थिंक सो आपके बहुत ही यूज़ भी आएगा। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।